वेलकम टू मूवी टेलर। आज मैं आपको एक मलयालम मूवी मिन्नल मुरली के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एक सुपर हीरो की मूवी है। फिल्म की शुरुआत गांव के मेले से होती है। मेले में आग लग जाने के कारण धमाका होता है। उसके बाद एक और धमाका होता है जिसमें कुछ लोगों की मौत हो जाती है। आगे न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इस सप्ताह बिजली गिरने की संभावना है। जैसन अपने वीजा के लिए फोटो क्लिक करवा रहा है। उसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, तभी लड़की के पापा थप्पड़ मारते हैं। क्रिसमस की रात जैसन उसके घर पहुंचता है, तभी उसको पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अचानक जैसन और सीबू पे बिजली गिरती है। जैसन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सीबू वहीं पड़ा रहता है। डॉक्टर बताते हैं बिजली गिरने के कारण किडनी या हार्ट फेल हो सकता है। मशीन जब टेस्ट के लिए लगाया जाता है तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सीबू कांपने लगता है जिससे घर बुरी तरीके से हिलने लगता है। उसके पिता को लगता है भूकंप आ गया है। दोनों घर के बाहर भागते हैं। जैसन को अजीब रंग की उल्टी होती है। जैसन की सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। उसके हाथों में ताकत आ जाता है। नल और दरवाजा छूने से ही टूट जाते हैं। भरी बारिश में सीबू उषा को देखता है। उसी समय सीबू को उसी रंग की उल्टी होती है। जैसन के जीजा जी उसकी बहन से हाथापाई करते हैं। उसी समय जैसन उसे हल्के से धक्के में उसे गिरा देता है। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। डॉक्टर जैसन की हालचाल की खबर लेते हैं। जैसन का भतीजा जब स्कूल में एनर्जी चैप्टर पढ़ रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि उसके मामा में अद्भुत शक्तियाँ आ चुकी हैं। इधर सीबू को भी अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है। जैसन का भतीजा अपने मामा को बताता है कि आप एक सुपर हीरो हो, आप में एक सुपर नेचुरल पावर है। उसी समय जैसन अपनी शक्तियों का ट्राई करता है। सीबू उषा का पीछा करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अचानक एक दिन उषा उसके होटल में खाने आती है। होटल का मालिक उषा पे गंदी नज़र डालता है, तभी सीबू अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है। इधर जैसन का पासवर्ड कैंसिल हो जाता है। इसका कारण पुलिस होते हैं। उषा के भाई के ऊपर कर्ज होने के कारण उसकी शादी अपने मालिक से तय कर दी। तभी सीबू वहाँ पहुँचता है। उसी समय उषा की बेटी की तबीयत खराब हो जाने के कारण वो बेहोश हो जाती है। पासपोर्ट रिजेक्ट होने के कारण जैसन पुलिस स्टेशन पहुँचता है। तभी वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पापा कोई और हैं जो कि मर चुके हैं। हॉस्पिटल में उषा की बेटी के इलाज के लिए उषा से पैसे मांगे जाते हैं। इधर जैसन को अपने फादर की पुरानी तस्वीर मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता थिएटर आर्टिस्ट थे। उनकी अगली ड्रामा मिन्नल मुरली था। सीबू अपनी शक्तियों से बैंक में चोरी करता है और इधर जैसन मेले में जाकर पुलिस वालों को बहुत मारता है और दीवार में मिन्नल मुरली लिखकर भाग जाता है। सीबू जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो देखता है उषा के भाई ने पैसों का जुगाड़ कर लिया है और गाँव में पोस्टर लगा होता है कि मिन्नल मुरली ही चोर है। जैसन के जीजा जी को जैसन पे शक होता है। जब वह मास्क और धोती पे निशान देखते हैं तो उनका शक कंफर्म हो जाता है कि मिन्नल मुरली जैसन ही है। जैसन सबूत मिटाने के लिए अपने जीजा जी की गाड़ी रोक देता है और सबूत लेकर भाग जाता है। जैसन की दोस्त पासपोर्ट के लिए पैसे ले आने के लिए कहती है। जैसन दुकान जाता है और वहाँ देखता है कि उसके पैसे चोरी हो चुके होते हैं। उषा के भाई ने ही पैसे चोरी किए होते हैं। उधर पुलिस वाले मिन्नल मुरली को इराक का एजेंट बताती है और दूसरी तरफ उसे जैसन ही समझती है, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं मानते हैं। जैसन उषा के भाई पे हाथ उठा देता है। तभी उसके पापा समझाते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सीबू पैसे लेके उषा के भाई के पास जाता है और कहता है कि उसकी शादी मेरे से करवा दे। तुम पागल हो, तुम्हारी माँ भी पागल थी, मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। सीबू को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करके उसके भाई को दुकान में ही जला देता है।
पुलिस वाले के हाथ में सीसीटीवी फुटेज लगती है। सीसीटीवी फुटेज देखते वक्त सीबू वहाँ पहुँचता है और सीबू अपने शक्तियों से पुलिस वालों के बंदूकों को टेढ़ा कर देता है। जैसन फुटेज लेकर भागता है, उसके पीछे सीबू भी भागता है। दोनों जाके बस में पहुँचते हैं। बस में उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। सीबू फुटेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्राइवर की मौत हो जाने के कारण बस खाई में जाके गिरने लगती है। तभी जैसन बस को बचाता है और बस पे लिख देता है मिन्नल मुरली ओरिजिनल। फिर जैसन अपना कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है। सीबू उषा के घर पहुंचता है। उषा का मंगेतर उसके साथ देखकर सीबू उसे भी मार देता है। सीबू गाड़ी में मिन्नल मुरली ओरिजिनल लिख देता है। जैसन को अचानक सबूत याद आ जाता है। जब वह उस जगह पहुंचता है तो उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है जो कि उसी के दुकान का सिला हुआ है। डायरी में देखता है तो उसे पता चलता है कि यह सीबू ही है। उधर सीबू भी पता कर लेता है कि मिन्नल मुरली जैसन ही है। पुलिस और गांव वालों को पता चल जाता है कि सीबू के पास शक्तियाँ हैं। सब उस पर पत्थर मारते हैं। तब सीबू अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और जैसन को पुलिस वाले लॉकअप में बंद कर देते हैं। सीबू जब घर पहुंचता है तो देखता है उषा उसके घर आई हुई है। गांव वाले सीबू के घर को घेर लेते हैं और आग की मशाल उसके घर की तरफ फेंकने लगते हैं। घर में बारूद रखने के कारण घर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उषा की मौत हो जाती है। सीबू गांव वालों से बदला लेने के लिए गांव के मेले में बम छोड़ देता है। ये देख के पुलिस वाले जैसन को लॉकअप से छोड़ देते हैं। सीबू गांव वालों को चर्च में बंद कर रखा होता है। उसके बाद जैसन वहां पहुंचता है। सीबू और जैसन की घमासान लड़ाई होती है जिसमें सीबू की मौत हो जाती है। जैसन विदेश जाने के इरादा छोड़ देता है और गांव में रहकर गांव के लोगों का भला करना चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।